हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ एकदम बढ़िया एंड बिल्कुल रेडी वगैरह होके। आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम जा रहे हैं एक राइड में। राइड तो नहीं, मतलब घूमने भी जा रहे हो। राइड में तीन बाइक्स हैं, दो बुलेट, एक 220। तो अपने दोस्त वगैरह सारे रेडी हो गए हैं, मैं भी घर से निकल रहा हूँ और ये भी बुलेट में बैठा हुआ हूँ मैं। बाकी बुलेट अभी स्टार्ट की, अभी निकल रहा हूँ मैं घर से एंड चलते हैं अभी बाजार से, उठाते हैं फ्रेंड्स को एंड फिर निकलते हैं आगे की ट्रिप के लिए। ट्रिप आज ज़्यादा बड़ी भी नहीं है एंड ज़्यादा छोटी भी नहीं है, तो निकल रहे हैं अभी एंड चलो चलते हैं। आज आपको वादियाँ दिखाते हैं बहुत दिनों बाद, तो चलो चलते हैं और चलो बुम। गाइस अभी खड़े हैं हम पेट्रोल पंप में। फाइनली गाइस वी आर हेडिंग अप टू बरोड वैली। गाइस एक बंदे की बाइक में आ रही है दिक्कत, वो पत्नी बार बार पीछे कर जा रहा है। ये आया नहीं आया, तो अभी हम गुम्मा पहुँचने वाले हैं। बाकी वो आई बाइक, वो बार बार पीछे कर जा रही है। जान दे जाओ। ये कुछ आप पीछे व्यू चेक कर सकते हो। हेलमेट मैं खोलूँगा नहीं, मेरे बाल खराब हो गए होंगे, मैं अच्छा दिख रहा हूँ क्योंकि। बाकी ये कुछ अपने लड़के आ गए, 1, 2 एंड 3। अभी हम जिटिंगरी पहुंचने वाले हैं। जिटिंगरी रह गए यहाँ से थोड़ा सा एंड अब यहाँ पे रुके फोटो शूट के लिए। यहाँ पे करते हैं पीछे वादियों के साथ फोटो शूट। बाकी भाई कैसी रही राइड? फिर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओ भाई मिल निकल रहे। और ये अपना तीसरा राइडर, ये देखो भाई भाग रहे क्या गाइस। एक और बंदा त्रिकालदर्शी भटके जी, हेलो करो। हाय गाइस, चश्मा तीसरी आंख खुल जाएगी, गलती चश्मा खोल दिया तो तुम नहीं पहुंचते फिर। गो सो गाइस, अभी कुछ ड्रोन उड़ा रहे हैं हम, छोड़ दे। बूम होगी। फोटोज ले रहे हैं अभी तक इनकी फोटो नहीं, ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए। बाकी बताओ ड्रोन शॉट कैसे लगे? बाकी मेरे बाल कुछ ज्यादा सेक्सी होकर रखे हैं भाई, आप भी ले लो फोटो यार। गाइस कुछ अभी ड्राइवर चेंज हो चुका है और ये इसको दे दी मैंने अभी बुलेट एंड मैंने सोचा मैं क्या, मैं थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेता हूँ। बाकी बरोड रह चुका है यहाँ से 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर में टाइम लग जाएगा एंड आप व्यू चेक कर सकते हो कैसा है ये। वो देखो ऊपर धार में भी जो है बर्फबारी हो चुकी है, इस साल की जो पहली बर्फ है वो वहाँ पे गिर चुकी है। वो देखो भाई साहब गोरी गोरी बर्फ। बाकी ये चले हैं कुछ अपने, इतनी स्लो चले हम इस बंदे की वजह से, इतनी स्लो चले हैं कि क्या बताऊं, पता नहीं क्यों चले स्लो, पर बहुत स्लो चले हैं। कहे तू ब्रेक के गमले गाइस। अभी पहुंच चुके हैं पशाकोट मंदिर के गेट में तो क्या मतलब मेन गेट में, न्यूट्रल रख दो फिर कुछ अपनी बुलेट। बाकी दो मंदिर के पीछे गाइस अभी मैंने बाइक चेंज कर लिया, तो अभी वो चला रहा है बुलेट एंड मैं चला रहा हूँ 220। बिको चल चल निकल दो आगे। गाइस अभी हम ब्रेक के लिए खड़े हैं, थोड़ा खा पी रहे हैं। बाकी कैसा लगा भाई? वे कैसा लग रहा है इसके पीछे बैठ के? हैवी राइडर
बोल नहीं पा रहे मतलब कुछ नो वर्ड्स गाइस, अगर आपको इस वाटरफॉल आना हो तो ये रोड गया यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आपका ब्रोड, और ये जो ऊपर रोड देख रहे हो आप ये ऑफ रोड, ये जाता है आपका जो अपने वाटरफॉल के लिए, ये सामने लिखा हुआ है वाटरफॉल का नाम भी और जगह भी जहाँ पे हुआ लपास, तो लपास जगह है जहाँ पे वो वाटरफॉल है। बाकी अब यहाँ से ऑफ रोडिंग 2 किलोमीटर की, वहाँ से फिर आपका 15 से 20 मिनट का पैदल रास्ता है। बाकी ये गाइस आ चुके हैं, आप पहुँचे ना जल्दी। सो गाइस ये कुछ आप चेक कर सकते हो, ये है आपका लपास गाँव, और यहाँ से वो रास्ता गया ऊपर से मोड़ काट के यहाँ से इसके बैक साइड में, बस इसके जैसे ये क्रॉस करोगे आप तो सीधे पहुँच जाओगे आप उस जगह में जहाँ से पैदल ट्रैक है, ट्रैक भी गया थोड़ा सा 10-15 मिनट का रास्ता वाटरफॉल के लिए, तो चलो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी भाई निकलो गाइस, ये कुछ अभी लोकेशन में पहुँच चुके हैं हम, यहाँ पार्क कर दी बुलेट, और ये जो रास्ता देख रहे हो आप ये गया आपका सीधे सामने वाटरफॉल के लिए, मतलब कर सकते हो आप ये आए यहाँ से, यहाँ से वो जो मैं आपको पीछे से बता रहा था कि इसके बैक साइड, तो ये है बैक साइड, यहाँ से आओ आप, यहाँ आपने अपनी बाइकें पार कर दी हैं। बाकी ये कुछ रास्ता यहाँ से 15 मिनट लगती है टोटल वाटरफॉल के लिए, एंड उसके नीचे जाके वो जो प्लेस देख रहे हो ना वो उसके नीचे है वाटरफॉल। सो ये है कुछ गांव लपास, और गांव इतना ब्यूटीफुल है कि मैं आपको क्या बताऊं, खतरनाक बिल्कुल। एंड चलो भाई फिर चलिए, चलो चलो गाइस। सो गाइस पैदल पैदल निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका ट्रैवल विद सोनी चैनल पे। अभी हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने लपास वाटरफॉल। ओए बंद करो भाई, कॉपीराइट आ जाते यार, फिर से बजा दिया है। कॉपीराइट में जेल भी होती है। ओए यार दूजी जेल भाई, 6 महीने जेल सीधी जा। और क्या भाई, कॉपीराइट तो चाहिए नहीं। बस तो फिर मेरे को दे देना अपना चैनल गाइस। क्यों तू कॉपीराइट कॉपीराइट देगा है गाइस? अब क्या बालों का तो मोटा चुड़ैल बना हुआ, नहीं कटवाने पड़ेंगे यार आज। मेरे बाल हैं सिर्फ सेक्सी, तेरा ही सेक्सी। भाई ने भी पेप्सी क्यों, वो देखा आवाज वाटरफॉल की आ रही आवाज आ रही है दोस्तों। ओ फाइनली गाइस वी रीच द वाटरफॉल, एंड ये मेरे पीछे कुछ वाटरफॉल, बाकी आप ये चेक कर सकते हो कितना ही ज्यादा खूबसूरत है यार ये, सच में बहुत ज्यादा। बाकी ये कुछ यहाँ का व्यू टोटल, वाह ये तो जगह ही मतलब एकदम टॉप क्लास है जिसको बोलते हैं। ये है रास्ता यहाँ से, कुछ नहीं है 10 मिनट की सारा पैदल रास्ता है, और इतना आनंद में आपको जब व्यू मिल सकता है तो 10 मिनट तो मेरे को नहीं लगता कुछ है। बाकी अगर आप आना चाहो तो मैंने लोकेशन आप यहाँ शेयर कर दी है, पूरा रास्ता बता दिया है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। मैं सच बोलता हूँ मेरे को खुद इस वाटरफॉल के बारे में अभी कुछ टाइम पहले लगा था पता, मैं पहले 2 बार आया हूँ, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, फिर मैंने इस बार सोचा कि आपको ब्लॉग भी बनाऊंगा और ये वाटरफॉल की लोकेशन भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको इस वाटरफॉल के बारे में पता नहीं कहाँ पे है। सो दैट्स योर वाटरफॉल, तो एंजॉय करो अब यहाँ पे ड्रोन शॉट और सिनेमैटिक शॉट। गो ये कुछ देख सकते हो आप फोटोग्राफी किस लेवल की हो रही है, और ये अपना फोटोग्राफर। बाकी ये कुछ और हाँ मेन चीज, यहाँ चाय पी रहे अभी हम, क्या आनंद आ रहा है इस व्यू के साथ चाय पीने का, और ये देखो भी नहाने जा रहा है यहाँ पे, आपको नहा भी सकते हो आप नीचे अगर ठंड से नहीं है कोई चक्कर दो, क्योंकि ठप्पन पानी तो बहुत ठंडा है भाई। बस करके नहीं फोटो लेगा गाइस, फोटो शूट वगैरह हो चुका है डन, एंड बाकी अब वाटरफॉल को करते हैं बाय बाय। अब निकलते हैं अपना ब्रोट वाली साइड, वही ड्रोन उठा लेना हो गया दे दिए वो भी। तो चलो गाइस अब निकलते हैं ब्रोट के लिए, टाइम हो रहा है 2:25, घर भी पहुँचना है टाइम से, तो चलो देखते हैं पहुँचते हैं बाय। ये कुछ अभी देखो भीड़ से, सॉरी
बिलिंग से ग्लाइडर लैंड हुआ है यहाँ पे, वो खोल रहे हैं अभी, बता रहे हैं बच्चों को सिखाना यहाँ से कैसे उठता है ग्लाइडर। बोला 5-7 बच्चे बिठा के ना, चल जा। हेलो, व्यू देखो भाई कितना सुंदर है। हाँ पड़ी पैदल चल गए। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं अपनी बाइकों के पास। ये सभी अपने एक दोस्त को मोच आ गई है पैर में, दूजी खतरनाक और है ड्राइवर। हाँ दूसरा ही मोची, सॉरी मोच ठीक करने वाला। मोच नहीं है वह, दे पुराने जमाने के। हो जाएगी ठीक है। वही हुआ पर्क पर्क पड़ा पर्क। तो गाइस अभी हम कुछ वहाँ से टिकन होके आ चुके हैं एंड बाकी राइडिंग चलिए फुल ऑन ले। देखो अब बाइक में क्या हुआ है, अब हेलमेट पहन हुआ था वो भी थोड़ी ठीक। बाकी अभी पहुंच चुके हैं हम गठासनी एंड यहाँ पे खड़े हैं, अभी उनका वेट कर रहे हैं, वो बहुत पीछे रह गए एंड अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ खाएंगे खाना या फिर नीचे जोगिंदर नगर में ही खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ढाबा है बहुत फेमस होने वाला, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। तो बाकी देखते हैं, वो आते हैं अभी तक आए नहीं, पत्नी कितना टाइम लगेगा उनको भी। आइज वापस पहुँच चुके हैं जोगिंदर नगर आके, वहाँ वो दो बंदे रह गए पीछे अपने 220 वाले एंड बुलेट, दोनों पहुँच गए हैं। बाकी अब यहाँ पे कुछ खाते हैं उसके बाद निकलते हैं।